हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने पे। जैसा कि आपने ऊपर टाइटल और थंबनेल पे देखा, यहां पर आपने बिल्कुल ही सही देखा। अगर आप एक वोडाफोन आइडिया वी के रिटेलर हो और अगर आप यहां पे वी का नया सिम चालू करते हो या यहां पर करते हो आप वी का MNP पोर्ट, तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल और नॉलेजफुल भी होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज की स्टूडियो में आपको एक ऐसे USD कोड के बारे में बताने वाला हूँ जिसका आप यहाँ पे यूज करके आप ये पता कर पाओगे कि जो ये सिम कार्ड आपने चालू किया है वो किस डेट को चालू किया है, कितने टाइम पे चालू किया है और कौन सा रिटेलर से ये चालू हुआ है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिम कार्ड को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर लफड़ा होता ही रहता है। कभी कभी ऐसा भी लफड़ा आता है कि यहाँ पर जो है कस्टमर खुद आते हैं और आपसे ये कहते हैं कि ये सिम कार्ड हमने आपके जो शॉप से खरीदा है और ये सिम कार्ड यहाँ पर इतना जल्दी कैसे खराब हो गया है, या यहाँ पर इस तरह का भी यहाँ पर लफड़ा आता है। यहाँ पर जो है प्रशासन आते हैं आपके पास और यहाँ पर कहते हैं कि ये सिम कार्ड आपके शॉप से बेचा गया है और ये सिम कार्ड से क्राइम हुआ है। तो यहाँ पर आप ये कैसे पता कर पाओगे कि ये जो सिम कार्ड है वो नंबर आपके शॉप से बेचा गया है या यहाँ पर किसी और के शॉप से बेचा गया है, कौन सा डेट कौन सा टाइम पे बेचा गया है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे इजीली यहाँ पर 1 मिनट में यहाँ पर कैसे आप पता कर पाओगे, उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को बिना मिस किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसके लिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना होगा। करना क्या होगा कि आपका जो लापू सिम है उससे आपको ये डायल करना होगा USD कोड को, जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ पर आपको डायल करना होगा, अपना डायलर पेज पे चले जाओगे, अपना लापू नंबर से आपको डायल करना होगा *117 * कस्टमर का नंबर और हैच। जैसे ही आप ये डायल करते हो, जैसे ही आप ये नंबर को डायल करोगे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है अपना लापू सिम से, तो आपको ये तुरंत में यहाँ पर आपको जो है आपका स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज यहाँ पर आ जाएगा और वहाँ पर आपको रिटेलर का नाम सबसे पहले शो होगा कि कौन सा शॉप से ये जो है सिम कार्ड यहाँ पर बेचा गया है। फिर उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर जो है डेट शो होगा कि कौन सा डेट को यहाँ पर ये सिम कार्ड चालू किया गया है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको टाइम डेट सेकेंड ये सारा कुछ यहाँ पर ऑल टोटल आपको ये सारा कुछ शो हो जाएगा। तो इससे आप ये पता कर पाओगे कि ये जो सिम कार्ड है वो आपके शॉप से यहाँ पर चालू किया गया है या किसी और दूसरे शॉप से यहाँ पर चालू किया गया है। यहाँ पर जो कस्टमर आप पे ब्लेम लगाते हैं वो ब्लेम में यहाँ पर आप इजीली दूर कर पाओगे, और यहाँ पर जो कस्टमर को इस तरह का डाउट होता है वो आप यहाँ पे कस्टमर के सामने ये इस तरह का यहाँ पर जो है लाइव प्रूफ आप यहाँ पे दिखा पाओगे कि यहाँ पर ये आपके शॉप से चालू हुआ है या यहाँ पर किसी दूसरे के शॉप से। तो आज का हमारे वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दें। और अगर आपको तब भी वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल ही सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर साथ ही साथ मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। तो अगर अभी तक आपने अपना भाई का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो देर किस बात का, जाकर ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।